फ्रेंड्स तैयार है लाजवाब आलू की भुजिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, बिहार की फेमस आलू की भुजिया। भुजिया बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं और आलू मैंने पहाड़ी आलू लिए हैं। पहाड़ी आलू इस तरह के होते हैं, लंबे लंबे, तो मैंने ये वाले में पानी कम होता है, इसीलिए ना भुजिया हमारी बहुत अच्छी और खिली खिली बनती है। तो हम इसीलिए पहाड़ी आलू ले रहे हैं, जिनसे हमारी भुजिया बहुत टेस्टी बनने वाली है। मैं सबसे पहले आलू को छील लूंगी। अगर आपके यहाँ ये आलू नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी आलू ले लेना, तो उससे आप ये बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आलू को मैंने छील कर इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए हैं, और ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं, पतले पतले ही रखने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं। आप कोई भी शेप काट सकते हो, मैंने लंबे काटे। लंबे काट के मैंने इनको पानी में रख दिया कि काले नहीं पड़े। अब मैं इनको पानी से निकाल दूं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे, गैस को ऑन कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप अपने हिसाब से देखना तेल कितना खाते हो आप, कम या ज्यादा वो आप कर लेना। तो तेल को मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, तो आप कोई भी ले सकते। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें डाल दूंगी मैं लाल मिर्च और जीरा, साबुत वाली लाल मिर्च ली है मैंने, और एक प्याज जो लेयर में कट कर लिया, एक मिनट भून लेंगे इनको। दो साबुत हरी मिर्च, प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, अब हम डाल देंगे इसमें ये आलू, और गैस को मैंने कम कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और गैस को कर देंगे अब तेज। गैस को कम इसीलिए करा था क्योंकि आलू में पानी था, तो कोई तेल हमारे ऊपर छिटक के ना आ जाए, इसलिए हमने गैस कम कर दी। तो मैंने आलू को मिक्स कर लिया, अब मैं इसको 2 मिनट इसी तरीके से पकाऊंगी अभी। और नॉनस्टिक आपकी कढ़ाई या पैन हो तो ज़्यादा अच्छा, उसमें चिपकने का डर नहीं होता। अगर आप कुछ कोई और बर्तन ले रहे हो तो आप उसको लगातार चलाते रहें। मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है तो मुझे डरने की बात नहीं है, अब वो आराम से अपने आप पकता रहेगा। 2 मिनट में इसी तरीके से पकने देती हूँ, लेकिन बीच में चला लूंगी, ऊपर नीचे कर लूंगी, जो नीचे के थोड़े से पक जाएंगे वो ऊपर आ जाएंगे। 1 मिनट हो चुकी है मुझे पकाते हुए, अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी, और मैं अभी नमक नहीं डालूंगी, सिर्फ हल्दी में। अगर आप नॉनस्टिक पैन में नहीं बना रहे हो तो आप इसमें साथ में नमक भी डाल सकते हो, तो मैं नमक अभी थोड़ी देर में डालूंगी। 2 मिनट और इसको ऐसे ही पका लेती हूँ हल्दी के अंदर, और हमारी हल्दी भी अच्छे से पक जाएगी, नहीं तो हम मसालों के साथ डालेंगे तो हल्दी की महक आएगी, इसलिए मैं हल्दी पहले डाल दी है। टोटल 4 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए, आलू भी हल्का ब्राउन होने लगा है, तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट और पका लेंगे धनिया डाल के। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे भी आप मिर्च खाते हो कम या ज़्यादा उस हिसाब से डालना। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। हमारा आलू जो है वो 90% तक कुक हो चुका है, अब मैं 2 मिनट इसको इसी तरीके से पकाऊंगी, आलू है वो अच्छे से कुक हो जाएगा और मसाला हमारा जलेगा भी नहीं, इसीलिए हमने लास्ट में लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इसको ढक के 2 मिनट लो मीडियम गैस पे पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुकी है, आलू की सब भुजिया हमारी बनके रेडी हो गई, अब गैस कर लूंगी बंद, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। फ्रेंड्स, तैयार है लाजवाब आलू की भुजिया। आप इसको पराठा, पूड़ी, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो। रोटी पे अच्छे से तेल लगा के थोड़ा तवे पे गर्म कर लो, उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है, और छोटे बच्चों की भी फेवरेट होती है। इसमें मिर्च थोड़ी कम डालो, छोटे बच्चे को रोल बना के दो, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप सफर पे भी ले जा सकते हो, छोटे बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती हूँ मैं ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।